इस सुंदर एवं अद्भुत पौराणिक कथा को ध्यान से सुने। दोनों पैरों से अगल बगल में आघात करके महाबली गरुड़ ने उस पर बारंबार प्रहार किए। वे उसे कभी वेगपूर्वक अपनी ओर खींचते और कभी पीछे धकेलते थे। इस तरह उसे मूर्छित करके उन्होंने नीचे गिरा दिया, मानो आकाश से सूर्य को धराशायी कर दिया गया हो। मोर के गिर जाने पर अत्यंत बलशाली बाणासुर भी उसे युद्ध से घबराकर अपने कर्तव्य का विचार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो सोचने लगा, अहो, मैंने अत्यंत बल के घमंड में आकर अपने हितैषी सुहृदों की बात नहीं मानी, इसलिए आज देवताओं और दैत्यों के देखते देखते मैं इस भारी विपत्ति में फंस गया हूँ। रणभूमि में बाणासुर को अत्यंत व्याकुल और दीनचित हुआ जान भगवान रुद्र आतुर हो उसकी रक्षा का उपाय सोचने लगे। तत्पश्चात महादेव जी ने गंभीर वाणी द्वारा नंदी से कहा, नंदिकेश्वर, जहाँ बाणासुर रणभूमि में स्थित है वहां जाओ और उसे सिंहों द्वारा जुते हुए इस तेजस्वी दिव्य रथ से शीघ्र संयुक्त करो। निष्पाप नंदिकेश्वर, ये रथ युद्ध के लिए पर्याप्त है। मैं यहाँ प्रमदगणों के बीच में रहूंगा। अब मेरा मन युद्ध करने के लिए उत्साहित नहीं हो रहा है। तुम जाओ, बाणासुर की रक्षा करो। तब बहुत अच्छा कहकर रथियों में श्रेष्ठ नंदी रथ के द्वारा उस स्थान पर गए जहां बाणासुर विद्यमान था। वहां पहुंचकर उन्होंने बाणासुर से धीरे धीरे इस प्रकार कहा, महाबली दैत्य, तुम शीघ्र आओ और इस रथ पर आरूढ़ हो जाओ। तदनंतर दानवों का विनाश करने वाले श्री कृष्ण के साथ सम्रांगण में युद्ध करो। नंदी की यह बात सुनकर बाणासुर बुद्धिमान महादेव जी के रथ पर आरूढ़ हुआ। उन तेजस्वी महादेव जी के उस रथ का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया था। उस पर बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी बाणासुर ने कुपित हो ब्रह्मशिर नामक महाभयंकर प्रज्वलित अस्त्र का प्रयोग किया, जो संपूर्ण अस्त्रों का विनाश करने वाला था। उस ब्रह्मशिर अस्त्र के प्रज्वलित होते ही यह संपूर्ण जगत क्षुब्ध हो उठा। ब्रह्मयोनी ब्रह्मा ने जगत की रक्षा के लिए ही उस अस्त्र की सृष्टि की थी। श्री कृष्ण ने अपने चक्र द्वारा उस अस्त्र का विनाश करके वेगशाली, विश्वविख्यात, यशस्वी तथा रण क्षेत्र में अनुपम शक्तिशाली बाणासुर से इस प्रकार कहा, तात, तुम्हारी वे बहकी बहकी बातें कहाँ गई? बाणासुर, अब तुम बढ़ चढ़कर बातें क्यों नहीं बनाते हो? देखो, यह मैं युद्ध के लिए खड़ा हूँ, तुम मेरे साथ युद्ध करो और मर्द बनो। पूर्व काल में कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन सहस भुजाओं के बल पराक्रम से ही उत्पन्न हुआ है, अतः यह मैं युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा सारा घमंड चूर किए देता हूँ। आज मैं अपनी एक बाँह से जब तक तुम्हारा घमंड दूर न कर दूं, तब तक इस समय तुम यहीं ठहरे रहो। आज युद्ध के मुहाने पर तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकोगे। तदनंतर देवासुर संग्राम के समान उस सम्रांगण में वह अत्यंत भयंकर और दुर्लभ युद्ध देखकर देवर्षि नारद जी नृत्य करने लगे। महात्मा प्रद्युम्न ने वहां समस्त रुद्रगणों को पराजित कर दिया। वे युद्ध की बातचीत करना छोड़कर पुनः देवाधिदेव महादेव जी के पास चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने तुरंत ही वर्षा काल के मेघ की भांति गर्जना करके अपना वह सहस्रार चक्र हाथ में ले लिया, जो रणभूमि में बाणासुर का अंत करने में समर्थ था। उस समय जो ग्रहों और नक्षत्रों का तेज था, जो वज्र और अश्विनी का प्रभाव था तथा जो देवेश्वर इंद्र का तेज था, वह सब उस चक्र में स्थापित हो गया। तीनों अग्नियों और ब्रह्मचारियों का जो तेज है तथा ऋषियों का जो ज्ञान है, वो सब उस चक्र में स्थित हो गया। पतिव्रताओं का जो तेज है, पशुओं और पक्षियों के जो प्राण है तथा चक्रधारियों में जो बल है, वो सब उस चक्र में समाविष्ट हो गया। नाग, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और अप्सराओं की तथा त्रिलोकी की जो प्राण शक्ति है, वो सब उस चक्र में प्रतिष्ठित हुई। उस तेज से संयुक्त होकर वो चक्र जाज्वल्यमान सूर्य के समान उद्दीप्त हो उठा और सामने स्थित होकर अपने शरीर से बाणासुर के तेज को ग्रहण करने लगा। रणक्षेत्र में अति तेजस्वी श्री कृष्ण ने अप्रमेय एवं अमोघ चक्र उठा लिया है। ये जानकर रुद्राणी ने शिव जी से कहा, देव, श्री कृष्ण जिस चक्र को धारण करते हैं वह तीनों लोकों में अजेय है, अतः जब तक वे उस चक्र को छोड़ नहीं देते हैं तब तक ही यत्न करके बाणासुर की रक्षा कीजिए। पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन ने देवी लंबा से कहा, लंबे, तुम बाणासुर की रक्षा के लिए शीघ्र जाओ। तब हिमवान की पुत्री उमा योग का आश्रय ले अदृश्य हो श्री कृष्ण के पास गई। वे अपने उस स्वरूप का दर्शन एकमात्र श्री कृष्ण को ही करा रही थी।
सम्रांगण में भगवान श्री कृष्ण को हाथ में चक्र उठाए देख वे पुनः अदृश्य हो अपने वस्त्र का परित्याग करके बाणासुर की रक्षा के लिए विजयदिष्ठित हो कोटवी या लंबा के रूप में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समक्ष नंगी खड़ी हो गई। रुद्रप्रिया पार्वती देवी को पुनः लंबा के साथ आकर सामने खड़ी हुई देख श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, फिर तुम अमर्ष से लाल आंखें किए रणभूमि में आकर नंगी खड़ी हो गई और बाणासुर की रक्षा के प्रयत्न में लग गई, परंतु मैं बाणासुर को मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवी ने फिर इस प्रकार कहा, प्रभु मैं आपको जानती हूँ, आप समस्त प्राणियों के सृष्टा पुरुषोत्तम महान सौभाग्यशाली महादेव अनंत श्याम वर्ण वाले तथा अविनाशी पुरुष हैं। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप समस्त इंद्रियों के नियंता हैं तथा संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं। देव, ये बाणासुर रणभूमि में अप्रतिम वीरता दिखाने वाला है, अतः आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। भगवान, बाणासुर को अभयदान दीजिए और मुझे जीवित पुत्र की जननी बनाइए। मैंने इसे वर दे रखा है, इसलिए पुनः मेरे द्वारा इसकी रक्षा की जा रही है। माधव, आप मेरे उद्योग को मिथ्या न कीजिए। देवी के ऐसी बात कहने पर शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, भामिनी तुम मेरी सच्ची बात सुनो। बाणासुर अपनी सहस्र भुजाओं के कारण घमंड में भरकर गर्जता रहता है, अतः आज इन भुजाओं का छेदन करना कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है। देवी, तुम दो बांह वाले बाणासुर के द्वारा ही जीवित पुत्र वाली बनोगी। ये बाणासुर आसुर अभिमान का आश्रय लेने के कारण कभी मेरी शरण में नहीं आएगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण के इस तरह कहने पर देवी बोली, प्रभु ये बाणासुर महादेव जी का दिया हुआ मेरा दत्तक पुत्र हो। कार्तिकेय की माता से इस प्रकार बातचीत करके वक्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु भगवान श्री कृष्ण सम्रांगण में कुपित हो बाणासुर से यो बोले, बाण संग्राम भूमि में युद्ध करो, युद्ध करो। असमर्थ पुरुषों की भांति तुम्हारी रक्षा के लिए माता कोटवी इस रण क्षेत्र में खड़ी है, तुम्हारे पुरुषार्थ को धिक्कार है। ऐसा कहकर अपने मन को वश में रखने वाले महाबली श्री कृष्ण ने बाणासुर पर वो उत्तम चक्र छोड़ दिया। उस समय नग्न खड़ी हुई देवी पर दृष्टि न पड़े, इसके लिए उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए थे। महासमा में जिसके प्रयोग से चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग मोहित हो जाते हैं और मांसभक्षी प्राणियों को तृप्ति प्राप्त होती है, उस अनुपम कर्म करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र को उठाकर क्रोध से बड़े हुए तेज वाले गदाधारी भगवान श्रीधर ने सम्रांगण में अपने उत्कृष्ट तेज और बल से दानव बाणासुर के तेज का अपहरण करते हुए उसकी भुजाओं को चक्र से काट डाला। रणक्षेत्र में युद्ध के मुहाने पर बाणासुर को लक्ष्य करके भगवान वासुदेव के द्वारा चलाया गया वो चक्र वहां तुरंत ही अलाद चक्र के समान घूमने लगा। वो इतनी शीघ्रता से घूम रहा था कि उसका रूप दिखाई नहीं देता था। संग्राम के शिरोभाग में उस चक्र ने बारी बारी से बाणासुर की सहस भुजाओं को काटना आरम्भ किया। कटी हुई शाखा वाले वृक्ष की भांति बाणासुर को दो ही बाहों से युक्त बनाकर वो सुदर्शन चक्र पुनः श्री कृष्ण के कराग्र भाग में आ पहुंचा। वैश्वपान जी कहते हैं, जन्मेजय दैत्यों को मार गिराने वाला चक्र जब अपना काम पूरा करके श्री कृष्ण के हाथ में आ गया, तब बाणासुर के उस शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। कटी हुई बांह वाला वह महान असुर खून से लथपथ होकर पर्वताकार हो गया और रक्त से मतवाला हो मेघ के समान नाना प्रकार से गर्जना करने लगा। उसके उस महान सिंहनाद से कुपित हुए शत्रुसूदन केशव बाणासुर विनाश कर डालने के लिए उद्यत हो गए। वे पुनः अपना चक्र छोड़ना ही चाहते थे कि कुमार कार्तिकेय सहित महादेव जी उनके पास आ गए और इस प्रकार बोले। महादेव जी बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, मैं आपको जानता हूँ, आप मधु और कैटप का वध करने वाले सनातन देवाधिदेव पुरुषोत्तम श्रीहरि हैं। देव, आप संपूर्ण लोकों की गति हैं, आपसे ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। देवता असुर तथा नागों सहित तीनों लोकों के लिए आप अजेय हैं, अतः आप ऊपर उठे हुए अपने इस दिव्य चक्र को पुनः समेट लीजिए। रणभूमि में इसका निवारण अथवा संहार करने वाला दूसरा कोई नहीं है, ये शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर है। केशनिषुदन, मैंने इस बाणासुर को अभयदान दे रखा है, मेरा यह वचन व्यर्थ न हो जाए इसके लिए मैं आपसे क्षमा करने की प्रार्थना करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, देव ये चक्र मैंने लौटा लिया, अब ये बाणासुर चिरजीवी हो, आप देवताओं के भी देवता तथा संपूर्ण असुरों के लिए माननीय है। महेश्वर आपको नमस्कार है।
अब मैं लौट जाऊंगा। बानासुर का वध रूपी जो कार्य मुझे करना था वह आपके अनुरोध से अब मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप मुझे लौटने की आज्ञा प्रदान करें। महादेव जी से ऐसा कहकर महामनस्वी भगवान श्री कृष्ण तुरंत उस स्थान पर गए जहां प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध सायकों से बंधे हुए थे।